दिल्ली का हाल प्रदूषण से बेहाल, सियासत में पूछे आपसे सवाल। अरे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, कम से कम कभी अपनी तरफ भी देखो। को इजाजत देती ही नहीं कि वो किसी और प्रणाली को अपनाए। देश की जनता के दिए गए मैंडेट को कहीं तो सही साबित करने का प्रयास करें। दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जबकि दिल्ली में प्रदूषण का हाल बीते दिनों के साथ बुरा होता जा रहा है। न यमुना नदी से जहरीला फॉर्म कम हो रहा है, न दिल्ली की हवाओं में AQI का लेवल कम हो रहा है। आलम अब यहां तक पहुंच गया है कि दिल्ली में सोमवार को ग्रेव 2 लागू करना पड़ा, यानी कि दिल्ली वालों पर पाबंदियों का लेवल 2 लगा दिया गया है। दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच चुका है, लिहाजा दिल्ली में ग्रेव 2 लागू करना पड़ा। इसमें पार्किंग की फीस बढ़ा दी जाती है, जिससे लोग प्राइवेट व्हीकल का कम इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहती है, नेचुरल गैस जनरेटर चलाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा आग, कोयला आदि पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में AQI लगातार बढ़ रहा है और ग्रैब के लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन का सोल्यूशन निकालने के बजाय आम आदमी पार्टी यूपी और हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जबकि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की ही है, तो उस पर आम आदमी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? हर साल अक्टूबर के महीने में दिल्ली NCR में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि इसी समय पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है। अब आम आदमी पार्टी इस पराली को ही प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार मान रही है, जिसका ठीकरा हरियाणा और यूपी सरकार पर फोड़ रही है। अब इसको लेकर जब यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से DDUP के संवाददाता ने बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रही है कि जो जल प्रदूषण चाहे वायु प्रदूषण हो रहा है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से आ रहा है। हमारे साथ बात करने की मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं। सर, इस तरह के आरोप लगाने का क्या अर्थ निकाला जाए कि यूपी और हरियाणा की वजह से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली? दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, सरकार चलाने का पूरा अवसर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनी गई सरकार के मुख्यमंत्रियों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किए बिना दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाना, दूसरे प्रदेशों में आरोप लगाना कि भी पराली का धुआं आ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण यूपी से बढ़ रहा है, हरियाणा से बढ़ रहा है, तो दिल्ली प्रदेश की सरकार को मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि जिस जिम्मेदारी के साथ दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया, कम से कम प्रदूषण के मामले में वो ठोस कदम उठाएं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर आरोप लगाना छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश की जनता के दिए गए मैंडेट को कहीं तो सही साबित करने का प्रयास करें। आम आदमी पार्टी यूपी को जिस पराली के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, उसी पराली को लेकर यूपी सरकार बहुत पहले से ही किसानों को जागरूक कर रही है और अवैध रूप से पराली जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। इस समय पराली जलाना कितना बेकार है, पराली हमको बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए। असल में क्या है, इससे पराली जलाने से जब जाड़ा पड़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, उसमें ये वाली धूल कण चले जाएंगे, वो हमें सांस का मरीज बनाएंगे, इससे भी सांस के मरीज बहुत बढ़ जाते हैं।
यूपी में पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सख्त है। गांव-गांव के किसानों को इसके जागरूक कर पराली को बिना जलाए उसके फायदे बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो पराली जला रहा है उस पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। 2 एकड़ से कम भूमि पर 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ के बीच 5,000 रुपए, 5 एकड़ से ज्यादा होने पर 15,000 रुपए हर घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी किसान के खेतों में 2 बार अवशेष जलाने की घटना होती है तो उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी यूपी के अलावा जो हरियाणा सरकार पर बार बार प्रदूषण का ठीकरा फोड़ रही है, उस हरियाणा में भी पराली को लेकर हरियाणा की नायब सरकार भी सख्त है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। देखिए, कैथल जिले की बात करें तो 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये, और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। और जहाँ तक दिशा निर्देश की बात है तो सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश है, जो पराली जलाएगा उसमें उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रेड एंट्री होगी, तो हमने वो 50 एंट्री अब तक कर दी हैं और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में हवा बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे सियासत से जोड़कर जनता के सामने परोस रही है। लेकिन इस सियासत में आतिशी पंजाब को सेफ साइड कर देती है और यूपी हरियाणा पर हल्ला बोल देती है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी पंजाब की पोल खोल कर रख दी और इशारों में सीधा पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है, और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है उससे वो दूर नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा हल ये है कि खासकर जो छोटा किसान है उसको आप सीधे तौर पे माली सहायता दें, क्योंकि उसका जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसको इजाजत देती ही नहीं कि वो किसी और प्रणाली को अपनाए। जबकि आतिशी अपने बयानों में लगातार पंजाब को क्लीन चिट देती रहती है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में उन्हीं के साथ ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। वहीं पराली के अलावा दिल्ली में जलाए जा रहे कचरे के ढेर से भी दिल्ली की हवा खराब हो रही है, लेकिन आतिशी ना तो इस पर ध्यान दे रही है ना ही दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए जनता के हित की पॉलिसी ला रही है।